सब ये सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। क्या सलमान और वेंकटेश बने जिगरी दोस्त? क्या वेंकटेश ने मांगी सलमान से मदद? क्या पूजा ने जबरदस्ती बनाया सलमान को बॉयफ्रेंड? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों, सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान फिल्म में पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पर साइन किया गया था। तकदीर वाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी के साथ साउथ एक्टर वेंकटेश भी शामिल हुए। जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम और राघव जुयाल को फिल्म में खान के भाइयों की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। इसके साथ साथ शहनाज गिल, साउथ एक्ट्रेस मालविका शर्मा और नई एक्ट्रेस पलक तिवारी भी भाईजान की फिल्म में देखने को मिलेंगी। बचपन में ही माता पिता के एक एक्सीडेंट में मरने के बाद से सलमान ने अपने तीन भाइयों को पाला। बड़ा भाई होने की वजह से सलमान के कंधों पर छोटी सी ही उम्र में सारी जिम्मेदारी आ गई थी और अब उसके भाई जस्सी, राघव, सिद्धार्थ ही उसकी जिंदगी है। सुबह एक नॉर्मल घर की तरह इस घर में भी हलचल हो रही है। जस्सी किचन में नाश्ता बना रहा है और राघव तौलियों में इधर उधर घूम रहा है क्योंकि उसका कॉलेज के लिए तैयार होने का मन ही नहीं है। सिट तैयार होके जस्सी की मदद कर रहा है और सलमान जो रात को देर से आया था वो अभी भी सो रहा है। जस्सी के अलावा कोई नहीं जानता कि सलमान असल में क्या काम करता है। राघव और सिड को ये पता है कि सलमान उनके दोस्त के साथ एक कंपनी में काम करता है, जो कि आधा सच है क्योंकि सलमान दोस्त के साथ काम तो करता है लेकिन किसी ऑफिस में नहीं। इधर सिड राघव को बाथरूम में बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ सलमान का फोन बजने लगता है। थोड़ी देर बाद जस्सी देखता है कि सलमान 5 मिनट में तैयार होकर अपनी बाइक पर जल्दी से घर से निकलता है। सलमान जल्दी से अपने दोस्त वेंकटेश के पास जाता है। वेंकटेश शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वेंकटेश के पेरेंट्स दोनों बिजनेस टाइकून थे लेकिन उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। सलमान के पिता और वेंकटेश के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की ही मौत होने के बाद वेंकटेश और सलमान एक दूसरे को समझने लगे और पक्के दोस्त बन गए और अब दोनों अपने माता पिता की तरह साथ में काम भी करते हैं। ये तो वो कहानी है जो सबको पता है लेकिन इससे पीछे की कहानी कोई नहीं जानता, जहां वेंकटेश के बिजनेसमैन के चेहरे के पीछे एक खतरनाक डॉन छुपा है, वहीं सलमान के भोले भाले बड़े भैया के पीछे उस डॉन का राइट हैंड, जिसके नाम से ही सब कांप जाते हैं, वो छुपा है। वेंकटेश दो बहनें पूजा और शहनाज का बड़ा भाई है जिन्हें वेंकटेश के असली रूप के बारे में कुछ नहीं पता। वेंकटेश और सलमान ने अपने परिवारों को खतरे से हमेशा बहुत दूर रखा है। सलमान वेंकटेश के पास पहुंचता है तो वेंकटेश बताता है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर बिजनेस में थोड़ी टेंशन चल रही है और एक ने मुझे मेरी फैमिली को सेफ रखने की धमकी भी दी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सलमान कहता है कि अपनी बहनों की सिक्योरिटी बढ़ा और क्या, अगर तूने सच में ये पूछने के लिए मेरी नींद खराब की है तो भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। वेंकटेश सलमान की बात सुन करके मुस्कुराता है, कहता है ठीक है, सीधी बात पर आता हूँ। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर तुम जब तक ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों में आता है तब तक पूजा और शहनाज की अगर सेफ्टी देख सके तो कैसा होगा? इससे पहले कि सलमान मना करे, वेंकी जल्द से कहता है, तुम जानते हो वो दोनों मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और मैं किसी और के हाथों में उनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। वेंकटेश हमेशा से ही ऐसा है, वो मारपीट से ज्यादा जुबान से एक्टिव है। किस वक्त किसको कौन सी बात बोलनी है, वेंकी इसमें एक्सपर्ट है और वेंकी जानता है कि उन दोनों में अगर कोई समानता है तो वो है उनकी फैमिली और सलमान इसके लिए मना नहीं कर पाएगा। यही होता है जब सलमान पूजा और शहनाज की परछाई बनकर रहता है। दोस्तों, सलमान ने पहले भी पूजा और शहनाज को बचपन में देखा था लेकिन वो दोनों सलमान को नहीं जानती तो उनका पीछा करना आसान था।
सलमान ने पूजा को बचपन में देखा था, लेकिन अब उनके सामने एक ब्रेड टेकिंग ब्यूटीफुल लड़की पूजा के रूप में खड़ी देखकर सलमान अंदर से हिल गया था। और जब जब पूजा को देखकर सलमान की धड़कन बढ़ती है, वो बार बार खुद को याद दिलाता है कि पूजा आउट ऑफ लीग है और वो एक लड़की की वजह से बरसों की दोस्ती पर आँच नहीं आने दे सकता। पूजा और शहनाज जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ जाती हैं, तब कुछ लड़के उनका पीछा करते हैं, जिसे देखकर सलमान भी उनके पीछे जाकर देखता है। उन्होंने पूजा और शहनाज को घेर के रखा है। सलमान अपनी जैकेट के हुड से सर ढकता है और फेस मास्क से अपने चेहरे को छुपाता है, और फिर चंद मिनटों में सारे गुंडे धरती पर पड़े होते हैं। पूजा और शहनाज शॉक हो जाती है, और जब सलमान दोनों के शरीर पर चोट का एविडेंस ढूंढता है, तब पूजा की नज़र सलमान से मिलती है और पूजा की आंखें और बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। सलमान आई कॉन्टेक्ट तोड़ के उन्हें वहां जल्दी से जाने का इशारा देता है, और शहनाज हैरान पूजा को खींच करके ले जाती है। उनके जाने के बाद सलमान सोचता है कि पूजा के उसे पहचानने के चांसेस 0 से 1% है, इसीलिए सलमान उसे इग्नोर करके फिर उन्हें घर तक फॉलो करता है। दोस्तों, वेंकटेश को उसकी बहनों पर हुए अटैक की खबर मिलती है तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन सलमान उससे वादा करता है कि वो दोनों की रक्षा करेगा। अगले दिन संडे होने की वजह से सलमान का पूरे दिन सोने का प्लान था, लेकिन उसका आराम जल्दी खत्म हो जाता है जब बार बार उसको फोन बजता है। सलमान फोन पर वेंकी का नाम देखकर भगवान से सब्र पेशेंस की दुआ करता है और कहता है, कसम खुदा की वेंकी, पूरे जहां में राघव के बाद एक तू ही है जिसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की है। वेंकटेश उसकी धमकी को इग्नोर करके बताता है कि उसकी बहनें कहीं बाहर दोस्तों के साथ लंच पर जा रही हैं। ये सुनकर सलमान की एनोयंस पूजा का चेहरा फिर से देखने की वजह से थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जल्द ही सलमान ये थॉट अपने दिमाग से निकाल देता है। आगे क्या होता है दोस्तों, कि सलमान को संडे वाले दिन 10 बजे तैयार देखकर जस्सी के हाथ से खाने की प्लेट गिर जाती है और राघव के मुंह से जूस बाहर निकल आता है, जिसका आधा भाग सिड के मुंह पर आ जाता है, क्योंकि वो राघव के साइड में बैठा था। सलमान उनके ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन को इग्नोर करके घर से निकलता है, क्योंकि उसके पास उनके सवालों के जवाब नहीं है। सलमान के जाते ही राघव कहता है, मैं कह रहा हूँ पक्का इनका कोई चक्कर चल रहा है। सिड भी राघव की बात से सहमत होता है तो जस्सी दोनों के सर पे पीछे से एक थप्पड़ लगा कर कहता है, चुपचाप खाना खाओ, अगर मैंने तुम्हें तुम दोनों में से ना किसी को भी भैया के खिलाफ CID बनते देखा ना, तो नाश्ते में अंडा कैंसिल। ये सुनते ही राघव और सिड दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं, लेकिन जस्सी जानता है कि सिड भले ही अंडे के लिए मान भी जाए, पर राघव जब तक कुछ ढूंढना लेना तब तक सांस तो बिल्कुल नहीं लेगा। उधर सलमान पूजा का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां पर उनकी टेबल से थोड़ी दूर दूसरे टेबल पर कैजुअली बैठा रहता है। हालांकि सलमान की नजर बाहर की तरफ है, लेकिन उसका पूरा ध्यान दोनों बहनों की तरफ था। सलमान उनके टेबल की ओर देखता है तो वहां पर पूजा और एक और लड़की के बीच कुछ टेंशन नजर आती है, जैसे दोनों आंखों और बातों से एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल खेल रही हो, और बात समझ के बाहर हो जाती है जब पूजा की नजर सलमान पर पड़ती है। सलमान अपनी आंखों से डराने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा उसके लुक को इग्नोर करके स्माइल दे देती है और उसकी तरफ चल के आती है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि सलमान अपने पीछे मुड़ के देखता है कि शायद वो किसी और की तरफ स्माइल कर रही हो, लेकिन उसके पीछे दीवार के अलावा और कुछ नहीं था। हनी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ, पूजा सलमान को एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहती है। वहीं आगे आपको बता दें दोस्तों कि सलमान उसका हाथ अपने हाथ में से हटाकर और फिर से इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है और सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड बना के इंट्रोड्यूस करवाती है। वहीं बता दें आपको कि सलमान पूरा शॉक में चला जाता है, और दूसरी तरफ शहनाज को हार्ट अटैक आने को होता है जब सलमान उसकी ग्रीटिंग्स का कोई जवाब नहीं देता, तो पूजा उसके सामने आती है और धीरे से कहती, प्लीज हेल्प मी, मेरी इज्जत का सवाल है। वो कहावत नहीं सुनी है,
अगर तुम आज मेरी मदद करोगे ना तो भगवान मेरी मदद करेगा, प्लीज हेल्प मी, भगवान के नाम पर ही कर दो। पूजा की बात सुनकर के सलमान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आती है और वो मना करने के लिए मुंह खोलता ही है कि पूजा का मासूम सा चेहरा और आंखों को देखते ही पिघल जाता है और ना जाने कब ये ना करते करते हाँ कर देता है और वो थोड़ी ही देर में पूजा की साइड में उसका बॉयफ्रेंड बनके बैठा होता है। तो दोस्तों अभी तक के लिए स्टोरी में इतना ही, आगे स्टोरी में क्या होता है इसको जानने के लिए इंतजार करिए थोड़ा, और तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।